हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे BHU, जामिया, AMU, TechTU एंट्रेंस क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे मतलब क्या हुआ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, BHU जो काशी विश्वविद्यालय है, उसके बाद आपका TechTU जो है, उसके बाद आपका AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें जो एग्जाम होता है किसी कोर्स के लिए, ज्यादातर मेडिकल कोर्स के लिए, तो उस मेडिकल कोर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स है, जैसे कि जामिया, BSc, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल और BHU वगैरह में कोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और खास साथ जो बच्चे बी फार्मेसी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सब हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि वैसे बच्चे जो जिसको चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उसको इंटरेस्ट देना होता है, खासकर मेडिकल लाइन के लिए जो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा वो किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें पूछा जाता है। जैसे कि आपका BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको हम लोग काशी विश्वविद्यालय भी कहते हैं, आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया, AMU, उसके बाद आपका क्या है, TechTU। तो इस यूनिवर्सिटी जो है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल के अंडर में होती है। तो इसमें जो बच्चे जाते हैं इंट्रेंस के माध्यम से, उस इंट्रेंस का जो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, खासकर इन यूनिवर्सिटी में, जैसे कि BSc बायोटेक, पैरामेडिकल सेक्टर, बी फार्मेसी, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, इन कोर्सों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट जो है कि द सब्सटेंस यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ओर्स इज, मतलब वह पदार्थ जो यूज होता है थर्माइट प्रोसेस में मेटल ओर को घटाने के लिए, वो क्या है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला आपका ये ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी है थोरियम, सी है हीटेड प्लेटिनम और डी है कार्बन। तो इसका जो सटीक आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन ए, मतलब कि एल्यूमिनियम ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल ओर्स को थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग करने का काम करता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट ओर, मतलब कि नीचे जो चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन ऐसा ओर है जो कि कार्बोनेट ओर है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, कैसिटराइट, पायरोलिसाइट, मेलेकाइट, डायस्पोर। तो आपका जिसका सटीक आंसर होगा होगा ऑप्शन सी, ये क्या आपका मेलेकाइट ओर है। ये आपका क्या है, मेलेकाइट है, मतलब कि ये कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर है ये मेलेकाइट। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेलेकाइट। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन मेल्टिंग फॉर रिमूवल ऑफ, ये कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है वो किस मेटलर्जी को रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि वाटर एंड सल्फेट, ऑप्शन बी है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी है CO2 एंड H2S। तो ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो किस मेटलर्जी को, किस धातु कर्म को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सटीक ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स प्यूरिफाइड बाय वन और केल मेथड, मतलब कि ये नीचे जो चार आपके ऑप्शन दिए हुए, जो एलिमेंट दिए हुए हैं, ये जो आपके चार ऑप्शन है मेटल्स दिए हुए हैं, पेयर जो मेटल्स, मेटल के जो पेयर हैं, वो कौन ऐसा पेयर है जो कि वन और केल मेथड के द्वारा प्यूरिफाइड होता है, संश्लेषित होता है। ठीक है, तो आपका पहला क्या है, NiFe, Ag, Au, ZrTi एंड CaIn। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, ZrNTi। ये ZrNTi जो है ये वन और केल मेथड के द्वारा प्यूरिफाइड होता है, और ये यही एक ऐसा पेयर है जो इस मेथड के द्वारा प्यूरिफाइड होता है। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लक्स इज यूज टू रिमूव, मतलब कि फ्लक्स को हम किस चीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या क्वेश्चन आपका, कि फ्लक्स इज यूज टू रिमूव। ठीक है,
तो आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, एसिडिक इम्प्यूरिटीज, दूसरा है बेसिक इम्प्यूरिटीज, और तीसरा क्या है, सभी इम्प्यूरिटीज, और चौथा है क्या, ए बी। तो जो फ्लक्स है इसको हम किस चीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, कौन ऐसा इम्प्यूरिटीज होता है जिसको हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो क्या है इसका, तो ये आपका होगा एसिडिक इम्प्यूरिटीज भी करते हैं और बेसिक भी करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बोथ ए बी, यानी फ्लक्स का हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक इम्प्यूरिटीज के लिए भी और बेसिक इम्प्यूरिटीज के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है, कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस, मतलब कि एलिंगम डायग्राम में एल्यूमिना को यूज करने के लिए कौन सा मेटल का हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या आपका Fe, आयरन, Zn, जिंक, तीसरा आपका मैग्नीशियम, और चौथा है कॉपर। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो आपका होगा मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम को हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम डायग्राम में एल्यूमिना मेटल को यूज करने के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, मतलब कि क्रायोलाइट का आणविक सूत्र क्या है, क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में क्या है कि पहला ऑप्शन है Fe3O4, दूसरा है Na3AlF6, और तीसरा सी में है Na2Al2O3। तो आपका जो सही आंसर होगा, यानी कि क्रायोलाइट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा आपको Na3AlF6, क्या होगा Na3AlF6। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द ओर ऑफ कार्नोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि कार्नोलाइट का जो ओर होता है, एस होता है, उसको हम किस सूत्र से दर्शाते हैं, किस सूत्र से, किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है कि Na2Al2O3, और दूसरा है आपको पता ही होगा ये दूसरा आपका हो जाएगा, यानी कि कार्नोलाइट के ओर को हम लोग KCl.MgCl2 6H2O से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए, अपने हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हीटिंग ऑफ ओर इज प्रेजेंस ऑफ एयर इज टू रिमूव सल्फर इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड, मतलब कि वायु के परिस्थिति में जो हम एयर की परिस्थिति में जो हम ओर के सल्फर के ओर को इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका, हीटिंग ऑफ ओर इज प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड, पहला आपका कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, नॉन ऑफ दीज। तो आपका पहला आंसर क्या, आपका ऑप्शन सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी रोस्टिंग को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन थे।